बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी, आज हमारे किचन में बन रही है ब्राउनीज़, जिसके लिए यहाँ पर 15 टेबल स्पून्स मैंने लिया है घी। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं 26 टेबल स्पून्स कंडेंस मिल्क के, और उसके बाद इसको बीटर से मिक्स करके देन मैंने इसको 30-40 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में रखा। जब ये अच्छे से गर्म हो गया था 30-40 सेकेंड्स में, उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है 3 टेबल स्पून जो है ब्राउन शुगर ऐड की है। कंडेंस मिल्क डाल दिया हुआ था, इसको डालने से जो है बहुत अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाता है। फिर हम लोगों ने इसको बीटर से मिक्स करना है थोड़ी देर के लिए। फिर इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर डाली है 1/2 टेबल स्पून नमक की, टीस्पून, और उसके बाद हम लोगों ने इसको फिर 5-6 मिनट्स के लिए बीट करना है। देन हम लोग इसको मिक्स करके इसके अंदर डालेंगे 3 टेबल स्पून कोको पाउडर के, और फिर इसको मिक्स करेंगे। रेसिपी बहुत मज़े की है और नई रेसिपी ट्राई कर रही थी, मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ मोमना है, तीसरा हाथ मोमना का नज़र आ रहा है आपको। और फॉर दोज हु आर न्यू ऑन माय चैनल, मोमना इज़ माय सिस्टर। यहाँ पे अब लोग इसको मिक्स करके हम लोगों ने इसके बाद इसके अंदर 1 कप जो है मैदा ऐड किया है। मैदा ऐड करके इसके अंदर फिर मैंने 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर की ऐड की है। अच्छा, आप लोग मैदा भी ऐड कर सकते हैं और ऑल पर्पज़ फ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अब इसके बाद सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके पानी। बहुत थोड़ी क्वांटिटी में डालना है कि बस इसकी थोड़ा सा लूज़ हो जाए टेक्सचर, और पानी आप लोगों ने थोड़ा सा नीम गर्म लेना है। फिर हम लोगों ने इसके अंदर ऐड किया है वनीला एसेंस 2 टीस्पून, और बस जी हमारे बैटर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक लेनी है डिश जो माइक्रोवेव में जो है वो रखी जा सके, उसके ऊपर ब्राउन शीट लगानी है या बटर पेपर लगा लें। मेरे पास ब्राउन शीट थी लेकिन मैंने ब्राउन शीट से कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बटर पेपर थोड़ा था इसलिए मैंने कहा कि ब्राउनीज ख़राब ना हो जाए तो पहले ब्राउन शीट लगा के फिर ऊपर बटर पेपर लगा दें। फिर मैंने सारा बैटर इसके अंदर डाला, उसको इक्वल किया, फिर इसको टैप टैप किया ताकि बबल सारे निकल जाएँ, इस तरह से टैप करना थी। और उसके बाद इसको माइक्रोवेव में रखना है। इस पॉइंट पे आप लोग ने क्या करना है कि जो नट्स वगैरह डालने हैं वो आप ऊपर स्प्रिंकल कर दें, बाद में नहीं करें, वो फिर अच्छा नहीं लगता और ऊपर ऊपर रह जाती हैं। अच्छा, मैंने तो पता क्या किया था, मैं भूल गई थी डालना ऊपर नट्स, तो फिर मैंने इसको निकाला था और फिर ऊपर मैंने जो सारे स्प्रिंकल करके उनको प्रेस कर दिया था। प्रेस करने के बाद मैंने 1 मिनट के लिए दोबारा माइक्रोवेव में रखा था, तो मेरे नट्स जो हैं वो अंदर तक चले गए थे। तो अगर आप लोग भूल जाएँ तो फिर आप लोग इस तरह कर लें। तो यहाँ पे मैंने फिर इसको 1 मिनट बाद निकाला, तो मेरी ज़बरदस्ती ब्राउनीज बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। और बस जब आप इसको ठंडा, बहुत अच्छे से ठंडा कर लें ताकि ये बाउंडिंग में रहें, और फिर उसके बाद आप इनकी कटिंग कर लें, तो हमारी ज़बरदस्ती ब्राउनीज की रेसिपी कम्प्लीट है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और रमज़ान की बातों में मुझे याद रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर एनवायरनमेंट। अल्लाह हाफिज़।